केंद्र सरकार ने तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के कारण 2200 विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा पर 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। अब ये नागरिक अगले 10 साल तक भारत नहीं आ सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इन नागरिकों को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए 10 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। ब्लैकलिस्ट किए गए 2200 विदेशियों में नाइजीरिया, माली, म्यांमार, थाईलैंड, तंजानिया, केन्या, श्रीलंका, जिबूती, यूके, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के नागरिक शामिल हैं।